ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 29 मई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सजाए भोगनी है, साक्षात्कार होते हैं कि तुमने यह यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा, वह है ऊंचे ते ऊंच, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब बेहद का बाप तो गुप्त है, तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच हैं, उनसे ऊंच कोई है नहीं, धर्मराज भी उनके साथ हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करो, अब भगवान क्या करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेंगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है, कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या, वह तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी हैं, बुरा काम करने से ज़रूर भोगना पड़ता है, गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अब तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो, ऊंचे ते ऊंच बाप हैं परंतु है गुप्त, और सभी के शरीर देखने में आते हैं, यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे, इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं, जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे, कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नर्कवासी बनते, ऐसे को देखे भी नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो ऊंचे ते ऊंच हूँ, इन सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है, मुझे कोई जानता ही नहीं, शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे, तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं,
अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण हैं, समझाते भी हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वह यहाँ सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चिया शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं, कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारिया दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसी को बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे। वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते स्वगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है, अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान कुछ भी नहीं है, तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। किसने कहा? भगवान वाच काम महाशत्रु हैं, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तुम हटियोगी हद के सन्यासी हो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य, वह हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप ही हैं, ऐसी शिक्षा और कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग, सतयुग में था इनका राज्य।
यह राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखाया जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी पूजा तुम करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है, जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं, कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसी को सिखला न सके, वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो रावण का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो। यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी हैं, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं, विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो। बेहद का बाप मिला है फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वह कहते हैं, हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। झूठ तो झूठ, सच की रति भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है। वह अपने को बदलते नहीं हैं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने फलाने। अविश्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ, श्रीमत भी किसी की नहीं। यह तो उन्हों की आयरन एज मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारिया खड़ी हो जाओ जो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार हैं, उसमें पहला है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है, सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गंवाना है। दूसरा है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। वरदान का डिटेल है, अब अपना समय सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजय बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन है अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।